लगाया गया है, ठीक है। सर गांव में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम आपको पूरी तरह कह रहे हैं 19 तारीख सोमवार तक का लॉकडाउन है गांव में, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप मुख्यमंत्री से बात तो करिए कि जो कलेक्टर ने पूरा जिला घोषित कर रखा लॉकडाउन में, जब कलेक्टर को तो फुर्सत है ही नहीं, वो सिटी में बैठता है, और गांव की क्या स्थिति है अब कलेक्टर को तो क्या पता है, गांव में तो आया ही नहीं कभी कलेक्टर, तो मुख्यमंत्री से निवेदन तो करो कि कम से कम गांव का तो लॉकडाउन हटाए, छोटा मोटी चीजें तो हो गांव में। हाँ महोदय, वो तो किया जा रहा है महोदय, पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं की जा रही है, बस सावधानी बरतते हुए हर काम करना है महोदय, पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया गांव में। सर गांव में लॉकडाउन लगा हुआ सर, हम आपको कैसे बताएं, भले आप अगर आपके पास अगर किसी के नंबर हो तो भले आप रतलाम कलेक्टर से बात कर सकते हो, पूरी तरह लगा हुआ, हम तो घरों में बैठे हैं, अब ये स्थिति अगर ये 2 महीने पहले लगा देते तो कम से कम खेती कर रहे थे, खेत तो पड़े रहते, अब गर्मी में कहीं जाने के ना करने के कुछ नहीं, शादियां हमारी अटकी हुई पड़ी, अब किसी की बारात आनी थी, किसी की जानी थी, आज हमारे गांव में बारात आ रही थी वो कैंसिल हो गई, बोले उधर से 4-5 जने आएंगे, टेंट वाले बापड़ा वो रख के गया था उसको वापस भरवा दिया, ले जाओ, तो यही कह रहा हूँ मैं कि ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं। मतलब गांव में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, इस संबंध में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, हम द्वारा तो मैं आपकी मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की ये जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी आपकी रिकॉर्डिंग करा है, मैंने इसको व्हाट्सअप करूंगा, सब जगह यूट्यूब फेसबुक सब जगह डालूंगा, गांव में नहीं लगा है तो ये जवाबदारी आपकी है। जी महोदय, ठीक है, ठीक है जी, शहरी क्षेत्र में लगा गया लॉकडाउन। चलो ठीक है, देखते हैं शहरी क्षेत्र में के गांव में, तो हम शादियां करें कि नहीं करें। नहीं मतलब शादी उतनी जी, ये SDM द्वारा आप परमिशन ले सकते हैं कितने व्यक्तियों को ला सकते हैं, इस तरीके से ज्यादा बड़ी मात्रा में शादी नहीं कर सकते हैं मतलब भीड़ के साथ। अच्छा, नियम के साथ। अच्छा सर, दूसरी बात ये है, हम जो DJ जो है स्लो आवाज बिल्कुल कम आवाज में DJ तो बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते? ये कलेक्टर का आदेश रहता है, मतलब इस संबंध में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, जो ध्वनि प्रदूषण यंत्र रहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, उस संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाता है। सर हमने जब DJ लिया था तो 18% GST काट के DJ दिया, और एक DJ की कीमत होती महोदय कम से कम 6-7 लाख, हल्के से हल्का DJ जिसकी कीमत इतनी होती, पिछले साल भी कुछ नहीं बजा, इस साल तो GST काट के अगर हमें सामान दिया गया तो क्या उसकी आरती उतारे क्या हम? ये आप कलेक्टर, हमारी तो कलेक्टर सुनता ही नहीं है, हम गए थे, हमने कोशिश भी करा, हमें तो आवेदन तक नहीं दिया किसी अधिकारी ने, बात करने के लिए तैयार नहीं थे, किससे, पिछली बार भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, अब इस साल फिर यही सीजन आई, अरे 4 दिन बाद अगर 30 तारीख तक टाल देते 30 तारीख तक तो शादी निमट जाती 30 अप्रैल तक, अब ये लॉकडाउन लगाया 30 अप्रैल और मई के बीच में फिर हटा देंगे तो क्या शादियां होंगी, मतलब ये लड़कियां भगवा दोगे तो मुझे लग रहा है दूसरों के साथ में शादी होगी नहीं इनकी, क्या मुख्यमंत्री क्या चाहता है, पहले भी पब्लिक ने तो मुख्यमंत्री को चुना ही नहीं था, पैसे देके ने विधायक खरीद लिए और मुख्यमंत्री बन गए, पब्लिक की तो देखा जाए पब्लिक की क्या स्थिति गांव में, गांव में शहर में सब जगह हालत खराब है। जी महोदय, ठीक है महोदय, इतनी ज्यादा लॉकडाउन नहीं है गांव में, बस 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य हर जगह है। जी सर, सर पति पत्नी अगर गाड़ी पे जाते हैं तो पुलिस चालान काटती है और बोलती है कि 2 गज की दूरी, वो मोटरसाइकिल पे कैसे 2 गज की दूर रखे, और वहाँ रह गए तो खाना किसके हाथ का खाएंगे, फिर खाना क्या हम बनाएंगे क्या, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना अंदर, मतलब कि उनका उल्लू सीधा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और ये आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। जी हम समझ पा रहे हैं आपकी समस्या को, ठीक है सर, ठीक है सर जी, सीमा पर हम संपर्क करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।